हेलो फ्रेंड्स, मेरा रविकांत है और कॉम्पिटिटिव अर्नोरी में आपका स्वागत है। सो, आज हम करेंगे क्लास टेंथ ज्योग्राफी का हमारा सेकंड चैप्टर, दैट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और यहाँ पे सेकंड पार्ट है ये। सो, यहाँ पे ज्योग्राफी की जितनी भी वीडियोस है सभी मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना दी, आपको वीडियो को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में यहाँ पे वीडियो के ख़त्म होती यहाँ पे मिल जाएगा। सो, इस चैनल के ऊपर आपको ये सभी यहाँ पे सब्जेक्ट कराए जाएंगे और साइंस 7 से लेकर 10 तक। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, इनकी भी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे नोट्स, यहाँ पे फेसबुक पेज और जो इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आप इनको लाइक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे सभी चैप्टर फिनिश हो जाएंगे तब यहाँ पे ये अपलोड होंगे। सो, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो, यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर है यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सो, यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर्स भी, कौन कौन से यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्लोरा और जो फाउना यानी कि वनस्पति और जो जीव जंतु हैं, एनिमल हैं, उनमें कमी आती जा रही है, वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे जैसा कि हमने जो नेचर है, हमारा जो नेचर है, इसको हमने एक रिसोर्सेज ऑब्टेन करने वाला, ठीक है ना, मतलब कि एक हमने एक ऐसी दुकान बना ली है जिससे कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ पे ले सकें। सो, ये जो रिसोर्सेज हम यहाँ पे या तो डायरेक्टली ले रहे हैं या इनडायरेक्टली ले रहे हैं जंगलों से, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ से, जैसे कि वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिंस, डाइज, फूड, फ्यूल, फोडर, मैन्योर, ठीक है, यहाँ पे जो चारा, खाद, ये सभी हम नेचर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ले रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सो, हम खुद ही हैं यहाँ पे जो इन रिसोर्सेज को यहाँ पे ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पे जीव जंतु हैं उनको मार रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए मार रहे हैं उनको, क्लियर है। सो, यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट को, इतना जो ग्रेटेस्ट डैमेज यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट को हुआ, ठीक है, वो कॉलोनियल पीरियड के दौरान भी हुआ था, ठीक है, जब यहाँ पे अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर कब्जा किया था, ठीक है, जब यहाँ पे गुलाम बना लिया था, तब यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो जंगलों को यहाँ पे साफ करके, ठीक है, जैसे रेलवे सिस्टम यहाँ पे बनाया, एग्रीकल्चर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया क्योंकि उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना था, ठीक है, किसानों से, लोगों से पैसा कमाते थे वो अपनी कंट्री में ले जाते थे। कमर्शियल सेक्टर उन्होंने इनक्रीज़ किया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यहाँ पे इंक्रीज़ किया, और यहाँ पे जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे बढ़ावा दिया इन जंगलों को काट के। सो, ये कॉलोनियल पीरियड के दौरान भी हो, ऐसा नहीं कि उसके बाद यहाँ पे आज़ादी के बाद ये ख़त्म हो गए, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये तब भी यहाँ पे चलता रहा, ठीक है, एग्रीकल्चर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज यहाँ पे इंक्रीज़ किए गए जंगलों को काट कर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 1951 से लेके 1980 के बीच में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो जंगल हैं उसका 26,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को यहाँ पे काटा गया और उसको यहाँ पे एज अ एग्रीकल्चर लैंड बना दिया गया 1951 से लेके 1980 के बीच में। और यहाँ पे बहुत सारे जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चलाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, सो, जिसकी वजह से यहाँ पे जंगलों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान किया गया, जैसे कि डैम्स बनाने थे, ठीक है, सो ऑब्वियस है यहाँ पे जंगलों को बहुत बुरी तरीके के साथ यहाँ पे काटा गया, यानी कि बड़े लेवल के ऊपर काटा गया था। सो, 1951 से ही यहाँ पे नियरली अबाउट जो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो जंगल हैं इससे ज़्यादा एरिया इन्होंने रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे साफ कर दिया, इसको काट दिया जो जंगल थे यहाँ पे। सो, यहाँ पे जो जंगलों को काटने का सिलसिला ऐसे ही कॉन्टिन्यू चलता आ रहा है, ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट बड़े बड़े बनाए जाते हैं, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आप क्लास प्लस टू में देखेंगे, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, सो, जब आगे मूव करोगे तब पढ़ लेना इनके बारे में, मध्य प्रदेश में जो, सो, यहाँ पे जो नियरली अबाउट 40,000 हेक्टेयर्स जो जंगल हैं उनको यहाँ पे काट दिया गया, ठीक है, यहाँ पे ये जो रिवर वैलीज प्रोजेक्ट, ठीक है, जो प्रोजेक्ट बनाने थे यहाँ पे बिजली उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारी एक्टिविटी के लिए, इरिगेशंस के लिए, लोगों को पानी देने के लिए, सो, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे जंगलों को काटा गया। और यहाँ पे दूसरा बड़ा उदाहरण है माइनिंग का, ठीक है, यहाँ पे जो खनन की जाती है ये भी क्या है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है।
यहाँ पे जो बोक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे भी इसको बहुत सीरियसली यहाँ पे खतरा उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे डोलेमाइट जो माइनिंग बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पे की जा रही है। बहुत सारे यहाँ पे जो फॉरेस्टर्स हैं और इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, जो इन्वायरमेंट के लाइक साइंटिस्ट जैसे होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके ऐसे व्यूज़ उनके आए कि यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग सॉरी फैक्टर्स हैं कि यहाँ पे जो जंगलों में कमी आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे बड़े फैक्टर्स क्या हैं? सो बड़े फैक्टर है यहाँ पे कि ग्रेजिंग और जो फ्यूल वुड कलेक्शन, मतलब कि जो गाँव में जो औरतों के द्वारा यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती है खाना वगैरह पकाने के लिए, ठीक है, ये बड़े यहाँ पे फैक्टर्स इन लोगों ने बताए थे, ठीक है, ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो मेन फैक्टर्स हैं वो यही रहे होंगे? फ्यूल फोडर डिमांड है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो फ्यूल के लिए यहाँ पे लकड़ियाँ कलेक्ट करती हैं, अब ये औरतें जाती हैं वहाँ से, तो ये सिर्फ शाखाएँ ही जो कटी होती हैं या काटती हैं, ऐसे तो है नहीं कि ये पूरा पूरा पेड़ ही वहाँ से काट देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो इनके द्वारा तथ्य दिए गए हैं, हम इसको यहाँ पे सही नहीं मान सकते हैं। सो यहाँ पे और क्या रीज़न होंगे? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो प्राकृतिक घर हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, शिकार यहाँ पे किया जा रहा है, ओवर एक्सप्लोइटेशन, इनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट का या वाइल्ड लाइफ का, और जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पॉइजनिंग, ठीक है, गैसेज यहाँ पे जो जहरीली वो भी बढ़ती जा रही हैं, फॉरेस्ट फायर्स आ गई इनको लगाई जा रही है। सो ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके बारे में ये लोग यहाँ पे बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। सो जिसकी वजह से यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें भी यहाँ पे कमी देखने को मिली है इंडिया में। ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में जो ओवर पॉपुलेशन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सो ये भी एक मेन कारण है कि जो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट है जो, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स ओवर पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को काटा जाएगा, वहाँ पे वो अपने घर बनाएंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि अपने घर बनाने के लिए जानवरों के घरों को उजाड़ते जा रहे हैं। सो ऐसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि जो एवरेज अमेरिकन जो कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज को, वो 40 टाइम्स 40 गुना ज़्यादा यूज़ करते हैं जो सोमालियन जो कंट्री के लोग हैं, ठीक है, उनसे 40 गुना ज़्यादा यहाँ पे वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो रिचेस्ट 5% लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, एज़ कंपेरिजन टू जो गरीब लोग हैं 25%। मतलब कि इतना तो ये 25% लोग भी नहीं कर रहे हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब, जितना कि 5% जो अमीर लोग हैं वो कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो रिचेस्ट 5% हैं, इनका जो शेयर है, ठीक है, इन्वायरमेंट को यहाँ पे इनका संतुलन बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा कम है वो। सो बहुत सारे ऐसे मूल निवासी हैं और यहाँ पे जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो यहाँ पे डायरेक्टली डिपेंड करती हैं जंगलों के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर, जैसे खाने के लिए, पीने के लिए, मेडिसिन के लिए, कल्चर के लिए, स्पिरिचुअलिटीज़ के लिए, ठीक है। सो इन सभी के ऊपर यहाँ पे ये लोग डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। अगर तो हम यहाँ पे देखें कि जो गरीब आदमियों की सॉरी जो यहाँ पे गरीब कम्युनिटी है उनकी बात करें, सो उनमें से ज़्यादातर जो वुमेन है वो यहाँ पे प्रभावित होती हैं आदमियों के कंपैरिजन में, ठीक है। कैसे? बहुत सारी सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे जो वुमेन है वो काम करती हैं, जैसे वो फ्यूल, ठीक है, कलेक्शन के लिए लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करने के लिए जाती हैं, ठीक है, चारा इकट्ठा करने के लिए पशुओं को, ठीक है, देने के लिए, और पानी के लिए, ठीक है, मटके उठाकर बहुत दूर दूर तक, ठीक है, कुएं से पानी उठा लेकर आते हैं, और भी बहुत सारी बेसिक नीड्स को जो पूरा करने के लिए। सो औरतों को यहाँ पे ये सभी काम करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनमें कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण यहाँ पे औरतों का जो काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब जंगलों को तो हम काटते जा रहे हैं, अब इनको क्या करना पड़ रहा है कि यहाँ पे जो लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक पैदल यहाँ पे चलना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स की भी यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है औरतों को। और यहाँ पे डिग्रेडेशंस के कारण यहाँ पे जैसे ड्राउट की समस्या, ठीक है, जो सूखा,
और डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो वो फ्लड्स को यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीज करेगा ही करेगा, ठीक है, जो हाड़ वगैरह आते हैं। सो ये सबसे ज़्यादा किनको अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ये जो पुअर आदमी है उनको अफेक्ट करता है। सो इसलिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को बनाने के लिए और जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी है इसको बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्टर माने जाते हैं। सो इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे हिमालयन यव, ठीक है, ये ट्रबल में है, संकट में है। सो इसके बारे में भी देख लेते हैं। सो हिमालयन यव, सो एक यहाँ पे पौधा है, ठीक है, एक प्लांट है जिसका यहाँ पे दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। सो मेनली यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। सो इसमें क्या होता है कि एक जो यहाँ पे पेड़ की छाल होती है, ठीक है, पत्तियाँ होती हैं या टहनियाँ होती हैं, और जो इनकी रूट्स जड़ें होती हैं, इनमें एक टक्सोल नामक जो केमिकल है, ठीक है, वो निकाला जाता है। यहाँ पे टक्सोल नामक जो केमिकल है वो निकाला जाता है, जिसको यहाँ पे कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो कैंसर की बीमारी होती है उसके इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे विश्व में बहुत ज़्यादा ये बिकता है, ठीक है, कैंसर औषधि अलग अलग, यहाँ पे इसको अलग अलग देशों में भी बेचा जाता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस जो जाति है, वनस्पति जाति है, इसको खतरा पैदा हो चुका है यहाँ पे पिछले कुछ दशक से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे जो यव के पेड़ हैं वो सूख चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद में। सो इनका हमें रक्षा करना चाहिए। सो नेक्स्ट है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ठीक है। सो इसको हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सो कंजर्वेशन को यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पानी हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया। इसके ऊपर हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है। सो इनको यहाँ पे बचाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इसी के साथ में यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए इनको भी यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करना बहुत ही अनिवार्य है। और यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल की बात करें, एग्रीकल्चर में, खेती में अभी भी हम इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी क्रॉप्स हैं, अलग अलग फसलें हैं जो हम उगाते हैं, ठीक है, खाते हैं उनको, जैसे कनक, चावल, मक्की, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग फसलें हैं जिनके ऊपर हम अभी भी डिपेंड रहते हैं। सो 1960s और 70s के दशक में कंजर्वेशनिस्ट जो हैं यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे डिमांड करी कि यहाँ पे जो नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स को यहाँ पे चलाया जाए, ठीक है। सो किसके द्वारा यहाँ पे चलाए गए, जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उनके द्वारा यहाँ पे प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है। सो यहाँ पे जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो एक्ट है यहाँ पे 1972 में इसको लागू किया गया। सो यहाँ पे मेनली क्या था कि जो हैबिटेट्स हैं उनको यहाँ पे बचाया जाए, जो प्राकृतिक घर हैं उनको बचाया जाए। सो ऐसे में यहाँ पे पहली जो लिस्ट है वो पब्लिश की गई, ठीक है, ऑल इंडिया लिस्ट कि कौन कौन सी यहाँ पे प्रजातियों को बचाना चाहिए वो पब्लिश की गई। सो यहाँ पे जो मेन गोल था इस प्रोग्राम का वो क्या था कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन बच चुकी है, ठीक है, जो यहाँ पे खतरे में जो प्रजातियाँ अभी रह चुकी हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन को कैसे बचाया जाए। सो उसके ऊपर यहाँ पे मेन फोकस किया गया था कि यहाँ पे जो शिकार है उसको बैन कर देना चाहिए, और यहाँ पे जो लीगल इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो घर हैं, ठीक है, जंगल हैं, इनको बचाना चाहिए। और यहाँ पे जो व्यापार जो वाइल्ड लाइफ का किया जाता है, जानवरों का जो व्यापार किया जाता है उसके ऊपर भी यहाँ पे रोक लगा देनी चाहिए। सो इसलिए यहाँ पे सेंटर और जो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश किया, और जो सेंचुरीज हैं वाइल्ड लाइफ उसको यहाँ पे उन्होंने बनाया। सो यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे कि प्रोटेक्ट करना है एनिमल्स को, जैसे टाइगर हो गया, वन हॉर्न रीनो, ठीक है, जो गैंडा होता है, कश्मीर स्टैग हो गया, थ्री टाइप्स ऑफ यहाँ पे क्रोकोडाइल्स हैं, और यहाँ पे एशियाटिक लॉयंस हैं, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं। सो टाइगर के ऊपर यहाँ पे मेन फोकस किया गया, ठीक है, सो रिहिनो के ऊपर मेन फोकस किया गया, कश्मीरी स्टैग के ऊपर, ठीक है, ये जो हिरन है, एशियाटिक लॉयन, इसके ऊपर फोकस किया गया। यहाँ पे क्रोकोडाइल तीन तरह के होते हैं, जो फ्रेश पानी में रहते हैं, ठीक है, इस तरह के क्रोकोडाइल्स होते हैं, जो साल्ट वाटर में रहते हैं क्रोकोडाइल, ठीक है, यहाँ पे थोड़े हेल्थी होते हैं, इस तरह के होते हैं। और यहाँ पे जो घड़ियाल्स हैं वो इस तरह के होते हैं, जो उनकी आगे की ये चोंच होती है, ठीक है, थोड़ी तीखी तीखी होती है। सो इस तरह के यहाँ पे तीन तरह के ये क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। सो इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन देने की बात
चल रही है मोस्ट रिसेंटली, जो अभी अभी की बात है, यहाँ पे जो इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लियोपैड, सो इनको भी यहाँ पे फुल प्रोटेक्शन दी जा रही है कानूनी तौर के ऊपर कि इनका शिकार नहीं किया जाएगा और ना ही इनका व्यापार किया जाएगा इंडिया में, ठीक है। सो यहाँ पे इनकी भी मैं आपको डायग्राम यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो दैट इज़ दिस वन, सो इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, इनका ना तो व्यापार किया जाएगा और इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाएगी, और स्नो लियोपैड, ठीक है, जो बर्फ़ों में रहते हैं ये, सो इनकी प्रोटेक्शन की बात चल रही है। और इसी के साथ में यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी, सो नोटिफिकेशन आई थी वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 और 86 में कि यहाँ पे जो कुछ 700 बटरफ्लाइज हैं, ठीक है, जो तितलियाँ की प्रजाति हैं, कुछ हंड्रेड्स में मॉथ्स, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, सो इनको भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। जैसे बटरफ्लाई, इसकी कुछ हंड्रेड प्रजाति हैं, मॉथ्स, ठीक है, इस प्रकार के होते हैं यहाँ पे, बीटल्स, ठीक है, इस तरह के यहाँ पे कीड़े होते हैं ये, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, छोटे होते आप बहुत ज़्यादा पकड़ते भी होंगे इसको, ठीक है। सो इनके ऊपर मेनली इन्होंने फोकस किया। 1991 में यहाँ पे पहली बार जो प्लांट्स हैं उनको भी यहाँ पे जो इस कैटेगरी में ऐड किया गया था कि हाँ इनको भी यहाँ पे बचाना चाहिए। सो सबसे पहले यहाँ पे जो 6 प्रजाति हैं ट्रीज़ की, उनको यहाँ पे इंक्लूड करा गया था। सो नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, टाइगर को यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। सो यहाँ पे टाइगर इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ है, ठीक है, प्रजाति है। सो 1973 में यहाँ पे अथॉरिटी को ये महसूस हुआ कि जो टाइगर पॉपुलेशन है वो 55,000 से कम होकर 1827 तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो खतरा जो टाइगर पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। सो इसलिए यहाँ पे हंटिंग, ठीक है, यहाँ पे इनका शिकार किया जाता है व्यापार के लिए, इनका जो हैबिटेट है, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, वो ग्रो कर रही है, डेफिनेटली है, ठीक है, जंगलों को काट दिया जा रहा है, सो घरों में आ रहे हैं, मार दिया जाता है। सो ऐसे बहुत सारे किस्से हो रहे हैं इनके साथ, ठीक है, जो बहुत ही बुरा हो रहा है इनके साथ एक्चुअल में। सो यहाँ पे जो ट्रेड है टाइगर स्किन का, वो बहुत बड़े पैमाने में किया जाता है, और जो इनकी हड्डियाँ हैं उनका यहाँ पे दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली यहाँ पे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनमें किया जा रहा है। सो अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि ये लुप्त होने के कगार के ऊपर पहुँच चुके हैं। सो इंडिया और नेपाल, यहाँ पे 2/3, मतलब कि पूरा वर्ल्ड में से जो 66% यहाँ पे, वो इंडिया और नेपाल में यहाँ पे इनको घर प्रदान किए जा रहे हैं, ठीक है, इनकी यहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जा रही है। और यहाँ पे यही दो कंट्रीज़ हैं जिनको एक प्राइम टारगेट बनाया जा रहा है, ठीक है, शिकारी यहाँ पे आते हैं। सो इनका जो शिकार है वो इंडिया और नेपाल में ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो टाइगर्स हैं वो यहीं पाए जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे शिकार के ऊपर यहाँ पे पाबंदी लगाई गई है, और यहाँ पे व्यापार के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है, मतलब कि कोई कानून यहाँ पे बनाए हुए हैं, अगर कोई इनका शिकार करता है तो उसको यहाँ पे सज़ा दी जाएगी। जैसे कि अभी आप लोगों ने सलमान खान का केस सुना होगा, ठीक है, काला हिरण का उसने शिकार किया था, ठीक है। सो यहाँ पे कानून की नज़र में सभी इक्वली होते हैं, अगर कोई यहाँ पे इनका शिकार करता है तो उसको डेफिनेटली सज़ा दी जाएगी। सो प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे वेल पब्लिश्ड, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कैंपेन जो पूरे विश्व में चलाया गया था, 1973 में इसको लॉन्च करा गया था। यहाँ पे स्टार्टिंग में ये सक्सेसफुल रहा था टाइगर पॉपुलेशन को, ठीक है, 1985 में 4,002 यहाँ पे संख्या हो गई थी टाइगरों की, और 89 में ये 4,334 यहाँ पे इनकी संख्या हो गई थी। लेकिन 93 में यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे डिक्रीज़ देखने को मिला था, यहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन में यहाँ पे सिर्फ 3,600 रह गए थे। सो यहाँ पे 39 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में जो कवर करते हैं एरिया 32,137 स्क्वायर किलोमीटर। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है, सो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में, सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व असम में देखने को मिलेगा, परियार टाइगर रिजर्व केरला में देखने को मिलेगा। सो ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में। सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं हम। सो नेक्स्ट यहाँ पे टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे इनको जंगलों को और वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कैसे इनको बांटा गया, ठीक है।
यहाँ पे अगर तो हम इनको सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल का काम है ये, इसको मैनेज कर पाना, इसको कंट्रोल कर पाना और इसको रेगुलेट कर पाना, इसको चलाना, ठीक है, थोड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन हाँ ये संभव हो सकता है। इंडिया में यहाँ पे जो ज़्यादातर यहाँ पे फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उसको गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, जो इनके द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स है, जो अदर फॉरेस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा इनको मैनेज किया जाता है। इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट में जो जितना पूरे भारत में फॉरेस्ट है उसके 50% से भी जो ज़्यादा हिस्सा है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है यहाँ पे बहुत ही वैल्यूएबल है, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है इनको सुरक्षा प्रदान करना एक चिंता का विषय यहाँ पे बना हुआ है। आगे यहाँ पे सेकंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यहाँ पे 1/3 जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। ये डिक्लेयर करा गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ पे जो फॉरेस्ट लैंड है यहाँ पे उसको यहाँ पे प्रोटेक्टेड रखा गया है कि आगे इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, मतलब कि आगे इसमें कोई डिक्रीज नहीं होना चाहिए। इसको प्रोटेक्टेड कैटेगरी में अब इंक्लूड करा गया है। नेक्स्ट थर्ड टाइप है यहाँ पे अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट यहाँ पे जो अदर फॉरेस्ट बच गए, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के, और जो वेस्ट लैंड है जो बिलोंग करती है यहाँ पे गवर्नमेंट और यहाँ पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या अदर कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये यहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जाती है अनक्लास्ड फॉरेस्ट को। अब यहाँ पे जो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड यहाँ पे फॉरेस्ट हैं, अब ये रेफर किया जाता है जो परमानेंट फॉरेस्ट हैं, ठीक है। अब इनको मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है? अब जैसे लकड़ी की हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनके इस्तेमाल के लिए हम डिपेंड करते हैं किन के ऊपर? रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के ऊपर। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में आपको बहुत बड़ा एरिया परमानेंट फॉरेस्ट के यहाँ पे देखने को मिलेगा। नियरली अबाउट यहाँ पे 75% जो हिस्सा है यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट एरिया वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा यहाँ पे। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ पे जो बड़ा परसेंटेज है रिजर्व्ड फॉरेस्ट का, ठीक है, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा इन स्टेट्स में। और बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, यहाँ पे आपको जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इन स्टेट्स में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और जो गुजरात का कुछ हिस्सा हो जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे जो फॉरेस्ट अनक्लास्ड फॉरेस्ट है वो देखने को मिलेगा, जो यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है और इनके द्वारा ऐसे कानून बनाए जाते हैं कि कोई भी इनका शोषण ना कर पाए। नेक्स्ट है यहाँ पे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, लास्ट टॉपिक है। ये कंजर्वेशन यहाँ पे जो स्ट्रेटजी यानी कि जो प्लानिंग चल रही है ये इंडिया के लिए यहाँ पे नई नहीं है, बहुत समय से चल रही है, लेकिन दुविधा की बात ये है कि अभी तक इनके ऊपर कोई इनका सोल्यूशन नहीं निकल पाया है सही तरीके के साथ। यहाँ पे हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है ये बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जिनका ये घर है, ठीक है, जंगलों में भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। हमें उनका भी यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि वो भी इसको यूज़ कर सकें। यहाँ पे बहुत सारे इंडिया में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो संघर्ष कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हैबिटेट्स हैं, ये जो जंगल हैं, उनको यह बचा सकें। गवर्नमेंट्स के साथ वो मिलकर वो दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसी के साथ में यहाँ पे जो सारिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, यहाँ के जो विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, उन्होंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी कि यहाँ पे जो पहले माइनिंग का काम चल रहा था, ठीक है, करने वाले थे, इन्होंने इनके खिलाफ़ लड़ा कि हम यहाँ पे माइनिंग नहीं करने देंगे अकॉर्डिंग टू द एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन्होंने इनके खिलाफ़ लड़ा था। और यहाँ पे जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ के जो 5 गांव के लोगों ने यहाँ पे जो डिक्लेयर करा कि यहाँ पे जो 1200 हेक्टेयर जंगल हैं उनको यहाँ पे जो बैरो देव डाकव सेंचुरी, इसको यहाँ पे डिक्लेयर करा। और इन्होंने अपने ऐसे कानून बनाए, रेगुलेशन यहाँ पे तैयार की कि अब यहाँ पे कोई भी शिकार नहीं कर पाएगा और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेस्ट करना, सॉरी, इनको बचाना, प्रोटेक्ट करना, जो भी बाहर से यहाँ पे आते हैं उनसे यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इन्होंने ऐसे अपने कानून बना दिए हैं।
सो जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे गांव वाले लोग हैं। आप लोगों ने चिपकू मूवमेंट के बारे में सुना होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये जो हिमालयस में, ठीक है, ये भी सक्सेसफुल रहा था। सो यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन हो रही थी इन्होंने यहाँ पे रोका था, ठीक है, जो यहाँ के गांव के लोग थे इन्होंने क्या करा, यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं उनको हग करा, ठीक है, चिपक गए थे वो, तो ऐसे ही उन्होंने काटने से बचाया था, ये सक्सेसफुल रहा था। और यहाँ पे जो अफॉरेस्टेशन हैं यानी कि पेड़ पौधे लगाना, उसमें भी ये सक्सेसफुली रहा था, ठीक है, जहाँ यहाँ की जो मूल यहाँ के जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जाना, इनके ऊपर इन्होंने फोकस करा था। और यहाँ पे जो फार्मर सिटीजन्स के ग्रुप्स हैं, ठीक है, जैसे बीच बचाओ आंदोलन, तहरी में नवदान्या, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या करा कि जो अच्छी क्वालिटी की फसलों को यहाँ पे उगाना बिना यहाँ पे केमिकल्स, यानी कि जो यहाँ पे केमिकल्स यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है ना बहुत सारी स्टेट्स में, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी इन्होंने नहीं किया, ठीक है। सो इनके द्वारा यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया गया, और इनका कहना था कि ये पॉसिबली है और यहाँ पे इकोनॉमिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ये कमा सकते हैं अगर तो ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें। और इंडिया में यहाँ पे जो JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इनके द्वारा जो प्रोग्राम्स चलाए गए थे, ये भी एक अच्छी उदाहरण है। सो इन्होंने क्या करा था कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट भी इन्होंने करी थी गवर्नमेंट के साथ, यहाँ पे जो मैनेजमेंट इनके द्वारा चलाई जा रही थी कि कैसे जंगलों को यहाँ पे काटने से बचाया जाए। सो इन्होंने जो लोकल कम्युनिटीज़ की भी यहाँ पे मदद ली थी। सो ये जो प्रोग्राम्स था स्टार्ट किया गया था 1988 में एग्जिस्टेंस में आया था, उस टाइम में यहाँ पे जो ओडिशा की सरकार थी उन्होंने पहला रेजोल्यूशन अपना जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तहत ये अपना रेजोल्यूशन पास किया था। सो इसी के साथ हमारा ये सेकंड जो पार्ट है और सेकंड यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। सो इसे लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर करें मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, सो उनकी भी मदद हो सके, घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कोचिंग ले सकें, नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, और यहाँ पे आज से आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। सो कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करें, और यहाँ पे अपने आसपास सफाई रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना यही हमारा टारगेट है। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।